यास तूफान के खतरे को लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है। आज खुद प्रधानमंत्री मोदी एक अहम बैठक कर तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। कुछ दिन पहले आए ताऊते तूफान ने भारी तबाही मचाई। आज की दूसरी बड़ी खबर होगी देश के 14 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई। कोरोना काल में 12वीं की परीक्षा कराई जाए या नहीं, इसको लेकर आज एक अहम बैठक होने वाली है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और राज्यों के शिक्षा मंत्री की अहम मंथन आज होनी है। इस खबर पर हमारे साथ रिपोर्टर्स लाइव भी जुड़ेंगे। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है। आपको दिखाएंगे कैसे अधिकारी लॉकडाउन के बहाने अपनी मर्यादा भूलते नजर आ रहे हैं। आपको थप्पड़बाज डीएम और एसडीएम की तस्वीर भी दिखाएंगे। चौथी और अहम खबर कोरोना के खिलाफ जंग से जुड़ी हुई। वैक्सीन की किल्लत का हवाला देकर दिल्ली और मुंबई में 18 टीकाकरण पर ब्रेक लग गया है। तो इन चार खबरों पर आज पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। ये चार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तूफान पर मंथन जारी है, इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर के क्या ताजा अपडेट है ये भी बताएंगे। देखिए, ताऊते तूफान के कहर के बाद अब तूफान यास का खतरा देश पर मंडरा रहा है, जिसको लेकर पीएम मोदी आज अहम बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ ये बैठक करने वाले हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। अहम मंत्रालय के मंत्री बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं एहतियातन तूफान के संभावित खतरे से निपटने के लिए बाढ़ राहत और बचाव की 8 टीमों के अलावा गोताखोरों की 4 टीमों को ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भेज दिया गया है। मौसम विभाग ने 24 मई तक हवा के चक्रवाती तूफान में तब्दील होने का अनुमान जताया है। इसके बाद तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, लिहाजा हालात से निपटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ओडिशा सरकार ने 30 में से 14 जिलों को सतर्क कर दिया है। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। 25 से 30 मई के बीच बंगाल से चलने वाली लंबी दूरी की 9 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दवाओं का भंडार रखने का निर्देश दिया है। सारे तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मछुआरों को आज से ही समंदर से दूर रहने की चेतावनी दे दी गई है। अभी तक मौसम विभाग ने चक्रवात के संभावित रास्ते, उसकी स्पीड, तट से टकराने की जगह के बारे में जानकारी नहीं दी है। फिर भी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार और गुरुवार को दक्षिण बंगाल के लगभग सभी इलाकों में बहुत तेज बारिश होने का अनुमान है। और हमारे साथ इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ गए हैं। विकास, आज किस तरह की तैयारी होने वाली है? सुबह 11 बजे बैठक है प्रधानमंत्री मोदी की, क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं तूफान को लेकर? देखिए, बिल्कुल, ये रिव्यू बैठक है। यास तूफान जो आने वाला है उसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है, और ऐसा तूफान जो है वो तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चल सकती हैं, उसमें तूफान आ सकता है, इसमें बड़े नुकसान हो सकते हैं। और इसलिए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे तो उसमें टेलीकॉम मिनिस्ट्री से लेकर पावर मिनिस्ट्री और तमाम अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अधिकारी भी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा एनडीएमए के अधिकारी भी मौजूद होंगे, गृह मंत्री भी मौजूद होंगे, इसके अलावा दूसरे अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। जाहिर तौर पर जो यास तूफान है उससे जो नुकसान हो सकता है उसकी आशंका के मद्देनज़र ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे पहले, यास तूफान से पहले अगर सरकार तैयार होगी, उसके नुकसान का अंदाज़ा होगा, उससे पहले तमाम जो टीमें होंगी वहाँ पर मौजूद होंगी ग्राउंड पर, तो उस नुकसान को कम किया जा सकता है, लोगों की जान माल की सुरक्षा की जा सकती है। जाहिर तौर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना होगा, और पश्चिम बंगाल पर ये तूफान कहर बनकर भी गिर सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री आज सुबह से एक्शन में हैं, और सुबह सुबह उन्होंने ये फैसला लिया कि ये यास तूफान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जिसमें तमाम मंत्री अधिकारी मौजूद होंगे, ताकि यास तूफान से समय रहते उसके नुकसान से निपटा जा सके। विकास, हमने ताऊते तूफान का जो असर था वो हमने अलग अलग राज्यों पर देखा, तो अब चूंकि यास का इंतजार हो रहा है, क्योंकि यास पता नहीं किस तरीके से खतरा लेकर आने वाला है, तो लगता है कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत है राज्यों में भी। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए, लगातार केंद्र सरकार के अधिकारी राज्यों के संपर्क में हैं। इस मामले में एनडीएमए की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है, मौसम विभाग के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। किस तरह से यास तूफान, ये आप कह सकते हैं कि
हिंद महासागर से उठेगा और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में उठेगा और उसके बाद ये किस तरह से चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है, लगातार इस पर नज़र रखी जा रही है। तमाम जो ग्राउंड ज़ीरो पर टीमें मौजूद होनी चाहिए वो अपना काम कर रही हैं ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके और इस जो चक्रवाती तूफान होगा इसके नुकसान को कम से कम किया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए आज सुबह 11 बजे PM मोदी मीटिंग करने वाले हैं अधिकारियों के साथ और उम्मीद यही कि यास खतरा जिस तरीके से बनकर उभरा ताउते वैसा खतरा लेकर के नहीं आएगा। ABP News आपको रखे आगे।